नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। बाजार में इन दिनों फेस्टिव सीजन है, तरह तरह की सेल लगी हैं, बम्पर डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही मूड सरकार का भी लग रहा है, जो सरकारी कंपनियों की बम्पर सेल की तैयारी में है। सरकारी भाषा में इसे विनिवेश कहा जाता है। दरअसल सरकार को राजकोषीय घाटे से उबरने का यही एक रास्ता दिख रहा है, क्योंकि GST और आयकर के कलेक्शन में बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है। उल्टे मंदी से निपटने के लिए कंपनियों को टैक्स में राहत भी देनी पड़ रही है। ऐसे में राजकोषीय घाटा और बढ़ सकता है, जिससे निपटने के लिए सरकारी कंपनियों का बिकना तय नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकारी खजाने के घाटे को कम करने का यही इकलौता उपाय है? आज राजनीति में हम इसी मसले की चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जयंत रॉय चौधरी, मजदूर संगठन सीटू के राष्ट्रीय सचिव एस देव रॉय, भारतीय मजदूर संघ के गिरीश आर्या और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी भी हम हमारे साथ जुड़ेंगे। तो पहले आपसे शुरू करता हूं मैं जयंतो। यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों में अपने शेयर बेचना चाहती है या इन संस्थानों में विनिवेश करना चाहती है, पूर्णतया निजीकरण नहीं करती है, तो इसमें क्या खराबी है? कर सकती है, उसकी मनमर्जी है। परंतु दो चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा सा हम लोगों को आशंका है, हम लोगों को नहीं, बहुतों में चहल पहल है। पहली बात यह है कि कुछ कंपनियों में सरकार चाहती है कि स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट हो। BEML एक कंपनी है जिसके बारे में सोची जा रही है इस तरह की। BPCL और HPCL की भी चर्चा चल रही है कि ये कंपनी एक ज़माने में SO और भारत पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता था, उनको नेशनलाइज किया गया था 1974 में। उन कंपनियों के बारे में सोची जा रही है। बाकी जो है 50% के नीचे कुछ कंपनियों की शेयर लाने की बात है। अब अपने में अगर देखा जाए कोई बुराई नहीं है 50% से कम लाएं, आप सरकार हैं, आप मालिक हैं, क्लब करेंगे आप जो बाकी जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं जिनके शेयर हैं LIC GIC वगैरह का, उनको करके आपके पास कंट्रोलिंग स्टेक रहेगी। पर बात यह है कि जब आप नीचे की तरफ आने लगते हैं तो और इच्छा रहती है, मनसा रहती है, जब भी आपको डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट पूर्ण करना होगा कि हम इसको और नीचे लाए, शायद उसको बेच ही डाले, एक बात रहती है। कुछ कुछ क्षेत्र में तो जरूर सरकार को रहना नहीं चाहिए व्यापार के अंदर, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। अब होटल में सरकार क्या कर रही है हमें अभी तक नहीं पता लगा, एयरलाइंस के बारे में भी यही सोच है बहुतों की, परंतु बहुत सारे सेक्टर्स में सरकार का रहना बड़ा ज़रूरी है जी। जैसे कि पेट्रोलियम, अगर आप देखें डिसइन्वेस्टमेंट के सिवाय और भी तरीके हैं सरकार के रोजगार करने के। एक है कि वो PSUs से जो प्रॉफिट मिलती है, वो प्रॉफिट मिलनी बंद हो जाएगी अगर आप सारे तेल कंपनियां बेच दें। दूसरी बात है कि आपकी मोनोपोली फिर किसी और के पास ना क्रिएट हो जाए। ये सारे चीज़ों को सोचने की जरूरत, आगे इन पे बात करेंगे। आर्या जी, ये बताइए, क्या निजीकरण का अर्थ ये है कि सरकार आर्थिकी के क्षेत्र से अपने आप को पीछे हटा रही है? और इससे लोग इतना आश्चर्यचकित क्यों हैं? जैसे इन्होंने कहा सरकार को हर एक क्षेत्र में होने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने तो प्रधानमंत्री बनने से पहले ही 2014 में कहा था कि सरकार का धंधा धंधा करना नहीं है, गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। तो करने दीजिए उनको ना, सरकार जिस धंधे में नहीं रहना चाहती उसे बाहर निकले, उसका शासन करने का धंधा है, स्कूटर बनाने का धंधा नहीं है, होटल बनाने का धंधा नहीं है। सर, आपने कहा कि मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ये कह दिया था। मैंने आपकी डिबेट में पिछली बार भी कहा था कि केवल नरेंद्र मोदी ने नहीं, 1980s में श्रीमती इंदिरा गांधी ने कह दिया था कि हम सर्विस सेक्टर में जो है नहीं काम करेंगे जी। 91 में आकर के नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने कह दिया हम मैन्युफैक्चरिंग में काम नहीं करेंगे। तो ये जो है परंपरा शुरू से चली आ रही है। मगर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जहाँ जहाँ मोनोपोली पब्लिक सेक्टर की है जी, वहाँ कभी भी देश की जनता को और देश की सरकार को और देश के समाज को कभी भी जो झुकना नहीं पड़ा है और एक्सप्लॉइट नहीं होना पड़ा है। और जहाँ जहाँ मोनोपोली किसी प्राइवेट की रही है, उस प्राइवेट में हमेशा एक्सप्लॉइटेशन रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि जब तक मोबाइल में BSNL नहीं आया था जी, तब तक जो है मोबाइल कंपनियों ने किस तरह से जो देश की जनता को लूटा था। इनकमिंग कॉल का भी 16 रुपये लेते थे जी, आउटगोइंग कॉल का 32 रुपये लेते थे। मगर जैसे ही BSNL मार्केट में आया, हालांकि उसका विरोध किया बहुत ज़्यादा, मगर उसने इनकमिंग आते ही फ्री कर दिया जी। तो मेरा कहना आपसे यह है कि सरकार से मेरा निवेदन है कि सरकार को यदि पैसा ही चाहिए, मैं वरिष्ठ पत्रकार हैं इनकी बात को कंडेम नहीं करता, मगर ये जो चीज़ आज सोच रहे हैं जब पब्लिक सेक्टर अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, रोज डिविडेंड दे रहे हैं, हर तरह से टैक्स दे रहे हैं, अकेले BPCL में परसों कोची
बीपीसीएल के गेट मीटिंग करके आया हूँ, भारत पेट्रोलियम की डिसइन्वेस्टमेंट के खिलाफ 21 तारीख को मेरी गेट मीटिंग हुई वहाँ पर। मेरा कहना यह है कि 65,000 करोड़ रुपया आपको मिलेगा, वो बीपीसीएल 5 साल के अंदर आपको 30,000 करोड़ रुपया डिविडेंड और टैक्स में दे चुकी है, 35,000 करोड़ उसने वो कराया है। आप सोने के अंडा देने वाली मुर्गी का पेट क्यों फाड़ना चाहते हैं? आप रोज सोने का अंडा लीजिए ना। उन पब्लिक सेक्टर्स को मैं आपको कहता हूँ, कंटेनर कॉरपोरेशन, उसके पास मैं कंटेनर कॉरपोरेशन से 8,000 करोड़ रुपये चाहिए, वो जो है उनकी इतनी जो है साख है दुनिया में कि 10,000 करोड़ रुपये वो लोन लेकर के सरकार को दे देंगे और वो जो है इंस्टॉलमेंट चुकाएंगे। तो सरकार जो है स्टेक होल्डर्स को बिठाए, स्टेक होल्डर्स से पूछे कि सरकार को जो है डेवलपमेंट के लिए या मंदी से उभरने के लिए इतना पैसा चाहिए। स्टेक होल्डर्स, मैं बीएमएस का पदाधिकारी होने के नाते आपको आश्वासन देता हूँ कि सरकार के राजकोषीय घाटे को भरने के लिए हम जो है कोई भी रास्ता निकालेंगे, मगर ये जिस तरह से अंधी दौड़ चल रही है, केवल हमको जिद है कि हम प्राइवेटाइज करेंगे, वो हम नहीं होने देंगे। ठीक है अवधेश जी, आपने सुना बीएमएस ने क्या कहा, तो क्या आपको लगता है कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को इसीलिए बेचा जा रहा है या उनमें इसलिए विनिवेश किया जा रहा है कि सरकार का बजट का घाटा इतना बढ़ गया है, उनको और कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा है उस घाटे को पूरा करने का? देखिए, विनिवेश जो है ये 1991 से चल रहा है, बजट घाटा के हिसाब से ही केवल इसका नहीं होता है। हमारे देश में पेट्रोलियम सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत समय से कोशिश की जा रही है। अभी नरेंद्र मोदी जब ह्यूस्टन में थे तो अनेक एनर्जी सेक्टर की कंपनियों से बातचीत हुई। पहले भी हमारे यहाँ जो सऊदी अरब की कंपनी है उसने $44 अरब रिफाइनरी में निवेश किया है, अभी मैं उसको देख रहा हूँ। रिलायंस की तो नहीं, रिलायंस में 20% नहीं, वो जामनगर वाले में 20% डाला है, लेकिन हमारे देश में वो करना चाह रहा है। गवर्नमेंट भी उसके साथ मिलकर रत्नागिरी और कहाँ कहाँ रिफाइनरी बना ही रही है, तो मुझे इसमें ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई बिकना है। ये मैंने ये नहीं कहा बिकना, मैं पूछ रहा हूं राजकोषीय घाटा पूरा करने के लिए मुझे कर नहीं रहे लगता है। तो हाँ या ना है, राजकोषीय घाटा अभी उस स्थिति में नहीं पहुंची है जिससे सरकार को बिल्कुल परेशानी हो जाए। बजट पहले ही बैलेंस नहीं था अवधेश जी, फिर ऊपर से आपने कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती कर दी और जीएसटी में जितनी आप आशा कर रहे थे उतना टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, तो अभी तो और कम किए हैं जीएसटी आप लोगों ने ऐसा दबाव बनाया कि मोटर कार नहीं बिक रहा है, फलाना नहीं बिक रहा है, सरकार दबाव में आके और इतने टैक्स घटा दिए। सारी मोटर कारें तो मैं ही खरीद रहा था, तो आप तो पैदल चलते हैं 11 नंबर की बस में, तो ये क्या बातें कर रहे हैं? घटा दिया गया। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब जो है केवल ये नहीं है कि हम घाटा पूरा करने के लिए बेच रहे हैं, उसको मतलब एक प्रकार से शक्ति देना, उसका विस्तार करना, उसकी आर्थिक ताकत बढ़ाना और दुनिया से निवेश आकर्षित करने के लिए कुछ चीजों को सामने रखा जाता है। आगे चलते हैं, मैं पूछता हूं देवराय जी से, आप सीटू के राष्ट्रीय सचिव हैं। देवराय जी, क्या पीएसयू में विनिवेश करने से या उसको प्राइवेटाइज करने से भारत की अर्थव्यवस्था की जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, जो आधारभूत समस्याएं हैं, उनका हल हो जाएगा? इस साल का राजकोषीय घाटा तो आप पूरा कर लेंगे इनको बेच करके, अगले साल क्या करेंगे, उससे अगले साल क्या करेंगे? बिल्कुल सही प्रश्न आपने रखा है। और सबसे पहले ये जो विनिवेश का बारे में पहले थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा जाए और जो वर्तमान सरकार एनडीए गवर्नमेंट का रिकॉर्ड ऑफ परफॉर्मेंस किया है, देखो ये विनिवेश हम आप सब जानते हैं 1991 कांग्रेस सरकार से समय से शुरू हुआ था, लेकिन अप टू जनवरी 2019 टोटल विनिवेश का राशि था 384,293 करोड़ और इसमें से 68% हुआ वाजपेयी जी और मोदी जी का टाइम में, और खाली मोदी जी का 4 साल में हुआ 60%। और जो टोटल प्राइवेटाइजेशन, जैसे जो वाजपेयी जी का टाइम में बीएल से लेके बीएसएनएल से लेके सारे जो 100% प्राइवेटाइजेशन, एक प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री कुल के अरुण स्वरूप को मिनिस्टर करके ये सब से ग्रहण किया है। और अभी ये नया एनडीए सरकार आया तो अभी आप देखें इंटरिम बजट में उन्होंने 90 करोड़ टारगेट रखा था, निर्मला सीतारमन आते आते 1,05,000 किया, अभी इसको 2 लाख करने के लिए। दिस इज वन पार्ट। द अदर पार्ट देखिए, जब से पत्रकार से लेके अलग अलग कॉलमिस्ट ने पब्लिक सेक्टर को टू किल द डॉग गिव इट ए बैड नेम जितना मर्जी मेलाइन किया, जैसे आज बीएसएनएल का के लिए किया जा रहा है, एयर इंडिया के लिए किया जा रहा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी को लिए किया जा रहा है, आज अभी लास्ट बजट के बाद आज के दिन में वो सारे तर्क जो खोखला है
ये प्रमाणित हो गया है कि अगर वाकई आप आपका उस आर्गुमेंट पे स्टैंड करते कि एफिशिएंसी इनएफिशिएंसी एटसेट्रा एटसेट्रा, आप खाली एक उदाहरण ले लीजिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। आपके चैनल के जरिए लोगों को जानकारी होना चाहिए भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन इज दी सेकेंड बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सेलेंट जो क्या कहते हैं डाउनस्ट्रीम मार्केटिंग एंड रिफाइनिंग कंपनी है, और उनका जो कंट्रीब्यूशन चौकस, उन्होंने पिछले चार साल में 15,000 करोड़ डिविडेंड दिया है, प्रॉफिट जो हो रहा है एवरेज 10,000 करोड़, उनका मार्केट शेयर है 15,000, इसी पे इसी पे इसी पे बहस कर रहे हैं देवराय जी, वो है आगे बढ़ते मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, एक मिनट एक रह गया है, नहीं एक खाली इतना सुन लीजिए, एक वेरी इंटरेस्टिंग फिगर, अभी भारत पेट्रोलियम का साथ उन्होंने हिंदुस्तान पेट्रोलियम भी बेचेंगे, और आप जानिए जो बंदर का पीठा भाग हिंदुस्तान पेट्रोलियम ONGC को मजबूर करके मोदी सरकार ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन खरीदाया है 39,000 करोड़ देके, और अब बोल रहा है उनको तुम इसको बाजार में बेच दो, यानी एक कंपनी को बेच पे कितना बार सरकार रुपया लेंगे, तो ये जो सरकार का टोटल बैंक ट्रांसफर, आप जो बोल रहे हैं एक बार आप बजट घाटा मार लोगे, यू आर किलिंग दी फ्रूट बियरिंग ट्रीज, आप जिस पेड़ का डाल में बैठा है उसका जर कर रहा है, देशवासी उसके लिए तैयार होना चाहिए, मैं आपको बताने चाहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद जयंतो, आपने सुना देवराय जी ने क्या कहा, ये क्या कहा, यदि सरकार घाटे में चल रहे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को बेचना चाहती है तो लोगों को थोड़ा समझ में भी आएगा, लेकिन जो मुनाफे में चल रही, जैसे भारत पेट्रोलियम मुनाफे में चल रहा है, या जिन सेक्टर्स में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आने से देश को फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि कीमतें बढ़ जाती हैं, पावर सेक्टर है, पावर जनरेशन सेक्टर है, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, BHEL पावर जनरेटिंग इक्विपमेंट जो बनाता है और बहुत अच्छा बनाता है, इनको बेचने का क्या तुक है, इसको आप जनता को कैसे समझाएंगे कि ये मुर्गी अंडे भी दे रही है, सोने का अंडा भी है, लेकिन फिर भी मैं इसको बाजार में बेचना चाहता हूँ। एक तो है आइडियोलॉजिकल पोजीशन, जिसके जिक्र वो कर रहे थे कि आइडियोलॉजिकल पोजीशन ये है कि हम व्यापार में नहीं रहना चाहते, आपने भी जिक्र किया, इसलिए हम व्यापार से निकल जाएंगे, एक ये है, परंतु आप चुन चुन के कुछ कंपनियों को बेच रहे हैं, उसमें संदेह उठता है और लोग फिर सवाल पूछेंगे कि क्या, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस जी ने एक नोट लिखा था उस वक्त में वाजपेयी जी को उनके वक्त में, कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म हो रहा है क्या, आपने जैसे जूहू सेंटोर को, आज तो कोई नोट लिखने वाला भी नहीं, लिखने वाला नहीं है, जूहू सेंटोर को बेचा गया था एक आदमी को, उसने फिर तुरंत ही उसका दुगना दाम में सहारा को बेच दिया वही होटल को, तो इसमें सवाल ये बहुत सारे सवाल उठेंगे, बालको के केस में बहुत बड़े सवाल उठे थे, हमारे साथी जो बैठे हैं उनके संगठन ने भी, में बालको बिका उतने का उसके पास स्क्रैप था, स्क्रैप मेटल था, बिल्कुल, तो ये सारे सवाल उठने लगेंगे और हमें इतिहास को भी देखना है। एक चीज बताइए मेरे को, ये हम अभी देखेंगे इतिहास को, लेकिन पब्लिक सेक्टर यूनिट का प्राइवेटाइजेशन, जिसको हम निजीकरण कह रहे हैं, पूरा विनिवेश करना कह रहे हैं, उसमें और स्ट्रेटेजिक सेल में क्या अंतर है? एक है जिसमें आप विनिवेश कर रहे हैं, आपने कुछ शेयर बेच दिए मार्केट में लिस्टिंग करने के लिए, आपने शेयर बेच दिया, ठीक है, पैसा उगाने के लिए, पैसे उगाने, पर सरकार का कंट्रोल है, सरकार का कंट्रोल रहा। दूसरा है कि आपने संपूर्ण तरीके से कंपनी का कंट्रोल आपने बेच दिया, जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जैसे बालको, या आपने संपूर्ण तरीके से कंपनी मतलब 100% बेच दिया, आपने कुछ भी नहीं रखा, वो तीसरा तरीका है। जो लास्ट दो तरीका है वो बेसिकली आपने अपना पल्लू झाड़ लिया है, यही तरीका है। अब देखा जाता है कि सरकार क्या करने चाहती है और कहां तक करने चाहती है। ठीक है, अभी लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। RKDF University, a world-class university, जहां students को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है कि वो job creators बन सके, ना कि सिर्फ job seekers. So join NIRF ranked university and become CEO of your company. At RKDF University, we focus on all-round development of a student. Courses offering BA, BCom, MA, MCom, BBA, MBA, BSW, MSW, BEd, DEd, MEd. Visit RKDF University at Gandhinagar, Bhopal, or call on toll-free number 1-800-270-320. इस चर्चा में आपका स्वागत है। आर्या साहब,
यदि भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में अपना शेयर 51% से कम कर देती है, जैसे कह रहे हैं कि हम कम कर देंगे, तो क्या ऐसी कंपनियां केंद्रीय सतर्कता आयोग और CAG के परव्यू से, उनकी निगरानी से बाहर नहीं हो जाएंगी? और अगर बाहर हो जाएंगी तो क्या सरकार को नया कानून नहीं लाना पड़ेगा कि आप कह रहे हैं कि अब न इन पे विजिलेंस कमीशन की निगरानी रहेगी, न कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रहेगी? देखिए, किसकी कंट्रोल रहेगा, किसकी निगरानी रहेगी, हम उस प्रश्न पे जा ही नहीं रहे। क्यों नहीं जा रहे? उसमें जो है निगरानी तो जिसको चोरी करनी है, जब तक जो है सारी जो है ये एजेंसीज काम कर रही थी तब इतने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं। ये जवाब नहीं है इसका, इसका जवाब सारे घोटाले हुए हैं, वो सारी एजेंसीज के रहते हुए भी सारे घोटाले हुए हैं। प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न इस बात का है कि पब्लिक सेक्टर का जो एग्जिस्टेंस है वो देश की सिक्योरिटी और इकोनॉमी के लिए आवश्यक है। मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मगर फिर भी जो है सरकार को ये सलाह देता हूँ कि जो पब्लिक सेक्टर्स हैं उनकी जो इतनी बड़ी साख है उस साख को इतना चोट मत पहुँचाइए, उससे अपना कंट्रोल कम मत करिए। ये आपको रोज, मैंने बताया ना सोने की सोना ये बात हो चुकी है, इनको रोक दीजिए। बात बिल्कुल सही है। आप बताइए, CVC और CAG का कंट्रोल चला जाएगा ना अगर 51% से कम होगा तो? सिर्फ CVC और CAG नहीं, पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी काफी हद तक चला जाएगा और आपका जो रिजर्वेशन पॉलिसी है इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में वो भी खत्म हो जाएगा। तो ये तीन चीजें आपको देखने पड़ेंगे। आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, अगर CVC और CAG के कंट्रोल आप रखने नहीं चाहते, जैसे कल अभिजीत बनर्जी ने बात किया कि बहुत सारे लेयर्स ऑफ कंट्रोल की जरूरत क्या है, अगर नहीं करना चाहते उसके लिए पार्लियामेंट में आप कानून लाइए। ठीक है अवधेश जी, यदि BPCL, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या जो भी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं जिनमें सरकार विनिवेश कर रही है, तो अगर ऐसी कंपनीज में जहाँ से आपको डिविडेंड भी मिल रहा है और कोई एफिशिएंसी की शिकायत भी नहीं है, उनको उनमें अपना शेयर बेचने से हम क्या समझें कि ये सरकार जो है अपनी मजबूरी है उनकी, या ये आर्थिक सुधारों की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है? ये BPCL को मल्टीनेशनल कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि वो केवल भारत तक नहीं रहे, ये है गवर्नमेंट की प्लानिंग। तो वो तो बिना बेचे भी तो हो सकता है? नहीं, वो उसके इसीलिए जो ONGC विदेश तो है, जब उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसका उस ढंग से हम दूसरे देशों में भी विस्तार कर सकते हैं। HPCL का जहां तक सवाल है, आपको पता है कि ONGC ने उसको खरीदा था, उसके बाद ONGC घाटे में चली गई है, उसके पास कोई 25,000 करोड़ रुपए का डेब्ट उस पर हो गया है। तो अब उसको कोई ना कोई रास्ता से उसको पैसे निकालना है तो करेगा अब इस समय। लेकिन आज की एक अच्छी खबर इनके लिए है, शायद 45 मिनट पहले हुई है, MTNL BSNL का। हम तो चाहते थे कि इसका नाश कर दे, MTNL BSNL की सरकार को रखने की कोई जरूरत नहीं है, ये बिना मतलब बात नहीं सुनी सरकार ने, सफेद हाथी चल रही है। तो इसको अब इसको रखेंगे, ये तो करें ना, किसी को देंगे ना, इसको डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे ना, इसको बेचेंगे। कह रहा हूं आपकी बात नहीं सुनी, BSNL MTNL का मर्जर कर रहे हैं, उसमें पैसा भी डाल रहे हैं, लेकिन VRS दे रहे हैं। को खलनायक नहीं मानना चाहिए, बहुत क्षेत्रों में उसकी जरूरत है, कुछ क्षेत्रों में उसकी जरूरत नहीं है। सरकार एक कंपनी तेल की अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए रखे, बाकी कंपनियों को डिसइन्वेस्ट करें, हम लोगों को। यानी आप मान रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में अगर जो चली जाएगी कंपनी, प्राइवेट सेक्टर भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट की रक्षा नहीं कर सकता, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता? नहीं, ये मतलब नहीं कर रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में एक कोई कंपनी, इंडियन ऑयल कंपनी या कोई रखे। मुझे मालूम है कि आप देव रॉय साहब के पास जाने वाले, उससे पहले एक छोटा सा बात फिर से जिक्र कर दूं कि BPCL और HPCL नेशनलाइज क्यों किया। भारत भूषण जी, ये सुनिए जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, अभी मैं सुन रहा था जी, अभी मैं सुन रहा था। ये जो सवाल किया जा रहा है कि भारत पेट्रोलियम को मल्टीनेशनल कंपनी करने चाहते हैं, लोगों को पता नहीं है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑलरेडी फॉरेन कंट्रीज में जॉइंट वेंचर है, और वो खाली रिफाइनिंग कंपनी नहीं, उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन में भी उनका कंट्रीब्यूशन है। इट इज ए वर्सेटाइल मल्टीनेशनल इंटीग्रेटेड कंपनी, ये पहले लोगों को जानकारी होनी चाहिए। एंड इससे पहले ये जो 3C का बात किया जा रहा है तो उसके 3C के साथ जरा CBI को भी ऐड किया जाए। अगर पेट्रोलियम पब्लिक सेक्टर चलाने के लिए एक ऑडिटर एंड कंट्रोलर जनरल CBI वो अगर प्रॉब्लम है तो आज CBI से आपको पता है या नहीं, सरकार ने इस निवेश का जो विनिवेश का सिद्धांत लेके घर घर में
आईबी को भेजा जा रहा है और यूनियन लीडर को इंटिमिडेट किया जा रहा है कि आप प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ कुछ करना नहीं चाहिए, शायद ये खबर किसी को नहीं है, वी हैव गॉट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन, ये भी एक बात है। इसी के बारे में आपसे पूछना चाहता था, ये बातें सुन लीजिए, सवाल भी सुन लीजिए, सवाल भी सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि एक तो यूनियन के लीडर्स को आप कह रहे हैं डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन क्या ट्रेड यूनियंस इसलिए भी अपोज कर रही हैं विनिवेश को क्योंकि इससे नौकरियां चली जाती हैं, बेरोजगारी बढ़ती है? नहीं, ये तो है, ये है, अभी आज भी अगर टोटल इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर और टोटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इन द कंट्री एंड जो एम्प्लॉयमेंट का फिगर देखोगे, पब्लिक सेक्टर मच मच एहेड ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सो एम्प्लॉयमेंट इलेक्ट्रिसिटी, ये एक बात है। दूसरा एक बात बताइए, जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया, अभी जो भारत पेट्रोलियम का दो जो मेजर सब्सिडरी है, वन इज कुचिन रिफाइनरी होल्ली ओन्ड एंड द अदर इज नुमालिको रिफाइनरी इज ए आसाम एकॉर्ड रिफाइनरी, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का भी शेयर है। अभी तो गवर्नमेंट का ओर से उनके संपर्क करने की कुछ कोशिश नहीं किया, पिनराई विजयन चीफ मिनिस्टर ने बताया बंद करो, नंबर वन। नंबर टू, ये जो पैसा और राजनीति का बात आ रहा है विनिवेश का पीछे, ये मानी तो मानी, उसका पीछे राजनीति एंड आइडियोलॉजी का सवाल भी है। अदरवाइज जो त्रिवेंद्रम या एयरपोर्ट को बेचने के लिए जोर जोर चल रहा है, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला ने चिट्ठी लिखा कि गवर्नमेंट ऑफ केरला इज रेडी टू बाइट, अगर सरकार से खाली पैसा से मतलब है तो दे कैन सेल इट वेल बट दे हैव एब्सोल्यूट। तो और जो क्रोनी कैपिटलिज्म का बात रहा है, एक बात वेरी इंपॉर्टेंट आप नोट कीजिएगा, फास्ट लिस्ट में जिन जिन कंपनी पब्लिशर कंपनी को बेचने का कदम उठाया गया, दीज आर ऑल रिलेटेड टू अदानी एंड अंबानी, फॉर इंस्टेंस पेट्रोलियम सेक्टर, फॉर इंस्टेंस पावर सेक्टर, फॉर इंस्टेंस अदानी का पोर्ट सेक्टर, जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जेजिम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत पेट्रोलियम, देन पावर सेक्टर नेपको इत्यादि, अभी BHEL का भी नाम आया है। इसलिए अडानी अंबानी के लिए किया जा रहा है, आप कह रहे हैं बजट घाटा के लिए जो खतरनाक काम कर रहा है, अभी गिरीश आर्या जी ने भी बताया है कि ये जो सुने अंडा देने वाले मुर्गी को आप खत्म कर रहा है। और लास्टली एक मेरे बात सुनिए, ऑन 26 अक्टूबर बॉम्बे में हम पूरे देश का ऑयल सेक्टर यूनियन का कन्वेंशन हो रहा है एंड वी आर गोइंग टू डिक्लेयर स्ट्राइक एक्शन अगेंस्ट द प्रपोज्ड प्राइवेटाइजेशन। ठीक है आर्या जी, ठीक है, धन्यवाद आर्या जी। ये कह रहे हैं कि अडानी और अंबानी के लिए सब कुछ किया जा रहा है, राहुल गांधी भी यही कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं ये नरेंद्र मोदी नहीं बेचेंद्र मोदी हैं, तो हम तो सोच रहे थे कि लांछन लगा रहे हैं खाली, अब यही बात देवराय जी कह रहे हैं, और राहुल गांधी का भी ये कहना है कि ये अपने दोस्तों के लिए कर रहे हैं, सूट बूट की सरकार है, इनके जो दोस्त हैं कॉरपोरेट्स उन्हीं को बेच रहे हैं। देवराय जी ने तो नाम भी ले लिया कि साहब जो जो पहली लिस्ट में कंपनी है वो अडानी अंबानी वाली इंटरेस्ट की कंपनीज है। राहुल गांधी के बड़े भाई हैं ये, यूपीए वन में ये भी सम्मिलित थे और ये डिसइन्वेस्टमेंट ऐसे ही चल रहा था। 93 में इंद्रजीत गुप्त जी गृह मंत्री थे, उस दौर में भी ये चल रहा था, ये सब इनका फ्रेंडली मैच है आइडियोलॉजिकल। अगर इस देश के अंदर वास्तव में मजदूरों की कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो केवल BMS लड़ रहा है। और आज BSNL के जो रिवाइवल की बात आई है, मैं पिछली डिबेट में आपके सामने कह करके गया था कि BMS किसी भी हालत में BSNL को सेल आउट नहीं होने देगी, शटडाउन नहीं होने देगी, और वो आज आपके सामने आ गया। आज आप बोल दीजिए कि हम देखेंगे कि फेयर प्लेइंग फील्ड होगा, केवल अडानी अंबानी को नहीं होने देगी BMS, देखिए बोल सकते हैं आप? नहीं नहीं नहीं, हम किसी अडानी अंबानी किसी प्राइवेट उसके खिलाफ नहीं है, वो आए मगर इंफ्रास्ट्रक्चर में आए, जो हमारे एयरपोर्ट्स जो है प्रॉफिट गेनिंग एयरपोर्ट्स हैं, ये गवर्नमेंट आए थे ना मेट्रो में फिर चला नहीं पाया। नहीं सर, कहीं नहीं, जितने पेट्रोल पंप हैं रिलायंस के आज सब बंद पड़े हैं, कहाँ गए वो सब। मैं ये कह रहा हूँ कि BMS को किसी प्राइवेट इंडस्ट्री देश के इंडस्ट्री से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मैं कह रहा हूँ हमको भी दिक्कत है, हम कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड हो, मगर जो है ये, लेकिन लोगों का कहना है लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। देखिए उस हम उसमें नहीं जाते, हमारा सीधा मतलब है कि जो BMS का स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि हम प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के साथ, वो मैंने मान लिया, BMS के स्टैंड से मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। जैन, तो विपक्षी पार्टियां विशेषकर कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अब ये कह रही है कि सार्वजनिक क्षेत्रों का निजीकरण धोखाधड़ी से हो रहा है और पार्लियामेंट की निगरानी में नहीं हो रहा, लेकिन सवाल ये है जब पार्लियामेंट में सरकार नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट लॉ लाई थी तब तो ये पार्टियां चुप थी, तब क्यों नहीं कुछ कहा, तब रोकते ना उसको कि इस लॉ को मॉडिफाई मत करिए, क्योंकि उस लॉ
को लाने का मतलब ही ये था कि पार्लियामेंट से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए तो पहले पेट्रोलियम सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन रुका था सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, HPCL का, वाजपेयी जी के टाइम पे। बिल्कुल, वो उस वक्त बहुत ज़्यादा शोर शराबा में व्यस्त थे, बाकी मुद्दों पे वो व्यस्त थे और उसीलिए उन्होंने कुछ समझा भी नहीं मेरे ख्याल से, और समझा अगर समझ भी पाए होंगे तो उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं कर पाए। अब उनको देर से समझ आ रही है इसलिए और चीख रहे हैं, परंतु बात यह है कि ये बात पहले उठानी चाहिए थी, अब भी उठानी चाहिए, अब भी उनको लगातार इस पर बातचीत करनी चाहिए थी। पर छोटी सी बात मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि BPCL और HPCL की बेचने के बारे में, उसको नेशनलाइज इसलिए किया गया था कि 71 के जंग के वक्त बर्मा शेल और एसओ ने रिफ्यूज़ किया था हमारे फौजों को तेल बेचने से, इंदिरा गांधी उससे बहुत खफा थी इस बात से और उसीलिए बाद में 3 साल बाद उन्होंने बदला लिया। बिल्कुल, आखिरी सवाल 30 सेकंड में बताइएगा, मेरे पास समय खत्म हो गया, पर मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ। BMS ने तो अपना स्टैंड बता दिया, आप तो यू आर टू द राइट ऑफ BJP एंड BMS ऑन प्राइवेटाइजेशन ना, आपकी विचारधारा वो है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लोग कह रहे हैं, भले ही स्वदेशी जागरण मंच हो या भारतीय मजदूर संघ हो जो निजीकरण के खिलाफ है, ये केवल औपचारिक तौर से भाषण दे रहे हैं कि इनकी बात कोई सुनता भी है, क्योंकि RSS तो निजीकरण के खिलाफ। देखिए ऐसा है, 30 सेकंड आपने पूछा, अटल जी के समय जब इंश्योरेंस में 26% आया, मैं भी इन लोगों के साथ सड़क पर था जी, दत्तो पनठेंगरी जी ने कहा कि ये देशद्रोही है वित्त मंत्री जो हमारा है, हंगामा हुआ। अटल जी के पास जब गए अध्यक्ष BJP के, ये घटना इनको नहीं मालूम होगी, मैं बता देता हूँ, मैं उस रैली में था। कूसा उड़ैली नहीं, कूसा बाबू ठाकरे अध्यक्ष थे, अटल जी के पास गए कि पार्टी इससे सहमत नहीं है, अटल जी ने कहा तो दूसरा प्रधानमंत्री जी तय कर लिए, मैं रहूंगा तो इसको करूंगा, उसके बाद से पार्टी ने सरेंडर कर दिया, BMS ने सरेंडर कर दिया और अटल जी 6 साल तक जो चाहे वही होगा, ये विरोध करते रहेंगे जो सरकार चाहेगी वही होगा। और BSNL को अगर ये कहते हैं कि रहे तो ये तो बिल्कुल देश के हक में ही नहीं है। BSNL को कौन पूछता है आज, MTNL का कौन हमारा पिछले साल जुलाई से खड़ा है? हम पूछते हैं पर बहुत सारे लोग पूछते हैं, आप भले ही ना पूछे, आपके विचार, आपको मुबारक, आप ये मत कहिए। मैंने इस बार पैर भी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ जुलाई से खड़ा हूँ, मैं टीवी पे बोल रहा हूँ। आपका टेलीफोन और आपकी टेलीफोन कंपनी, आपको मुबारक, अब समय समाप्त हो गया है, माफी चाहता हूँ, आज बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।